गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रियल एंड आज का वीडियो है जीरी राउंड टॉपिक वीडियो। एंड मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन राउंड के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉमन टॉपिक्स जो पूछ सकते हैं आपको जीडी राउंड में। एंड मैंने काफ़ी लोग से पूछा है एंड कॉमनली मुझे ये पता चला है कि जीडी राउंड्स आजकल ग्रुप डिस्कशन टाइप्स नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको एक सिंपल एक ही टॉपिक मिला जाएगा और सबको उसी टॉपिक पे बोलना है, सेपरेट डिस्कशन नहीं होगी, सेपरेटली बोलना है। एंड ये काफ़ी लोकेशंस पे ऐसा ही हो रहा है अभी तक, मैंने जितने लोगों से भी पूछा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जितने मैंने भी जब दिया था इंटरव्यू तो मेरे साथ भी सेम हुआ था। सो मोस्टली मे बी इन्होंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है, सो दे विल जस्ट गिव यू वन टॉपिक और उस टॉपिक के लिए सोचने का टाइम देंगे, ऑफकोर्स एक मिनट का टाइम, एंड एक एक करके आपने बताना है वो टॉपिक के ऊपर। सेम टॉपिक होगा, अलग टॉपिक नहीं होगा। और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन जो मुझे लगे प्लस जो मेरी फ्रेंड्स को पूछे थे वो मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपिक्स, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। एंड या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। मैं ये वीडियो बना रही हूँ मेरे एक कॉमेंट के रिक्वेस्ट की वजह से, आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया और मैं जीडी राउंड के ऊपर वीडियो बनाने वाली थी बट शी कमेंटेड, सो आई थॉट लेट्स पोस्ट इट दिस वीक ओनली। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक पहले मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ। मुझे पूछा था ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ। तो अचीवमेंट आपकी कोई भी हो सकती है, छोटे से छोटी अचीवमेंट भी आप बोल सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो एक अचीवमेंट होनी चाहिए कि आपने कुछ किया, कुछ प्रोग्रेस की। एंड यस, सेकेंड टॉपिक इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो इतनी बार आया लोगों को, इतनी बार, इज सोशल मीडिया गुड, इज सोशल मीडिया बैड, इज सोशल मीडिया हेल्पफुल, किसी भी फॉर्मेट पे, किसी भी फॉर्म में वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड थोड़ा पढ़ के आ सकते हो। पढ़ना भी क्या ही है, आपको नॉलेज तो है ही सोशल मीडिया के बारे में, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप जान लें, क्योंकि वैसे काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तीसरा टॉपिक है डिस्क्राइब फैशन। फैशन के ऊपर फैशन से रिलेटेड पूछा गया था। एंड फैशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं कि इज फैशन इम्पॉर्टेंट, या फैशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, फैशन से रिलेटेड कुछ। सो आपने रट्टा नहीं मारना, थोड़ा बहुत जैसे आप खुद भी जानते हैं थोड़ा बहुत फैशन के बारे में क्या होती है फैशन, सो आप बोल सकते हैं उस हिसाब। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक एक और होता है जो है कैट्स वर्सेस डॉग्स। अभी ये वाला टॉपिक भी काफ़ी लोगों को पूछा है एंड ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ईजी है, बट आपने नेगेटिव नहीं बोलना है कुछ भी। जैसे समझो आपको कैट्स नहीं पसंद है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आई तो लव डॉग्स, आई डोंट लाइक कैट्स, ऐसे नहीं बोलना है आपने। आपने रीज़न देना है कि क्यों आप कैट्स से ज़्यादा डॉग्स को प्रेफरेंस देते हैं या डॉग्स से ज़्यादा कैट्स को प्रेफरेंस देते हैं। आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट ही छोड़ना है, कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं देना है जीडी राउंड के किसी भी टॉपिक पे, आपने नेगेटिव नहीं एंड करना है। लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज के तो बहुत सारे बहुत लोगों को पूछा है ये वाला भी। सो देखो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद भी सुन के सोचोगे कितना ईजी और बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। एंड बस आपकी जो जनरल नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत आपके ओपिनियंस जानना चाहते हो कि आप कैसे अगेंस्ट हैं, कि किस टाइप के पर्सनैलिटी हैं आप, वो उससे पता चल जाता है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ वो पूछते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपके जॉब के साथ लिंक्ड है ये टॉपिक, विच इज़ डू यू प्रेफर टीम वर्क और सिंगल। तो आई वुड सजेस्ट टीम वर्क बोलिए, बिकॉज जिस जॉब में आप जा रहे हैं उसमें टीम वर्क इज़ समथिंग दैट इज़ एवरीथिंग। सो अगर आप भले ही आप सिंगल पसंद करते हैं फिर भी टीम वर्क बोलिए, बिकॉज दैट विल मेक यू सक्सीड द इंटरव्यू। एंड ऑल्सो यू ऑल्सो नो दैट यू नो समवेयर और दी अदर टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना मर्जी आप सिंगल बोलो, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिले किसी से, तभी आप सक्सीड कर पाते हो या कोई चीज़ को पार कर पाते हो। सो आई वुड से टीम वर्क नहीं भी बोलेंगे आप फिर भी आपको खुद लगेगा कि नहीं यार टीम वर्क ही ज़रूरी है, कभी ना कभी, नॉट ऑलवेज बट यस, कभी ना कभी आपको लगेगा जो भी सोचते हैं कि नहीं सिंगल ही हम ठीक है, कभी ना कभी टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, टीम वर्क से रिलेटेड आप बोल सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स थे जो काफ़ी कॉमन थे और काफ़ी लोगों को पूछे थे, सो मैं आपको बताना चाहती थी ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प मिले। बट ऑफकोर्स जो भी मैंने आपको बताए हैं ज़रूरी नहीं है
कि इनमें से ही आएंगे. दीज आर समथिंग विच आर वेरी कॉमन क्वेश्चन. अभी एग्जामिनर का मन नहीं किया ये पूछने का, तो आप बोलोगे मैं तो ये प्रिपेयर करके गई थी, उसने पूछा कुछ और. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक होंगे, टफ नहीं होंगे, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जो भी क्वेश्चन आपको दें आप उसका जवाब दे सकें. और ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं. आपका ओपिनियन जानना होता है उन्होंने, बेसिकली ओपिनियन से ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अभी मैं थर्ड राउंड जो बनाऊंगी, वो जो HR राउंड होता है, जो फाइनल राउंड होता है, उसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई माय 100% टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू एंड इवन मेक अ वीडियो इफ रिक्वायर्ड. अगर मुझे लगा कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसका वीडियो बनाना जरूरी है, सो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो फॉर इट. एंड यस, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.